स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की रफ्तार जो कि 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हवा में 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ध्वनि की रफ्तार बदल सकती है। नंबर 1 पे आता है तापमान। गर्म दिन ध्वनि की रफ्तार ठंडे दिन के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर ध्वनि की रफ्तार 0.6 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है। इसी कारण की वजह से पहाड़ों पर ध्वनि की रफ्तार समुद्र तल यानी सी लेवल के मुकाबले कम होती है। दूसरे कारण को जानने से पहले एक और सवाल। हम ये तो जानते ही है कि ध्वनि सबसे तेज सॉलिड, उससे धीरे लिक्विड और सबसे धीरे हवा में होती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर ऐसा होता ही क्यों है? देखो, साउंड वेव मैटर में मौजूद मॉलिक्यूल्स के डिस्टरबेंस की वजह से ट्रेवल करती है, और मैटर की जिस स्टेट में मॉलिक्यूल जितने पास पास होंगे उतना ही जल्दी डिस्टरबेंस यानी साउंड ट्रेवल करेगा। अब क्योंकि सॉलिड मैटर में मॉलिक्यूल्स सबसे पास पास होते हैं तो साउंड भी सबसे तेज उसी में ट्रेवल करेगा ना। लास्ट में एक और सवाल, इस ग्राफ को ध्यान से देखें। पानी में गहराई बढ़ने पर साउंड की रफ्तार पहले घट जाती है पर बाद में तेज हो जाती है। कमेंट में बताएं ऐसा क्यों होता है। मिलते हैं सवाल के जवाब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।